खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र में अपनी सरकार की रही, खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार ये पार्टी भी केंद्र की सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी और अभी चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं है और इस मामले में खासकर इनकी चौकीदारी की ये नई नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी। चाहे चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों ना लगा लें, और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी यहाँ गंगा मैया भी इनसे काफी ज्यादा हमें रूठी हुई लगती है और अब इनकी ये गंगा मैया फिर से इनको केंद्र की सत्ता में आने के लिए अपना आशीर्वाद इस बार कतई भी इनको देने वाली नहीं है। चाहे ये लोग इनको मनाने के लिए यहाँ अपनी कितनी भी पूजा पाठ आदि क्यों ना करते रहें, और इसकी मुख्य वजह ये है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गी व अन्य मेहनत कश लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग एक चौथाई हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही और भी ज्यादा माला माल व धनबान बनाने में तथा इन्हें हर स्तर पर बचाने के लिए इनकी पूरी चौकीदारी करने पर ही लगा रहा है, जबकि यहाँ देश के किसान तो इस सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी रहे हैं और अभी भी हैं, और खासकर उत्तर प्रदेश में तो यहाँ बीजेपी की सरकार ने अपने छोड़े गए आवारा जानवरों व पशुओं के जरिए इनको और भी ज्यादा बर्बाद करके रख दिया है, और अब तो किसान ही नहीं, अब तो भारतीय जनता पार्टी के जो आवारा जानवर हैं और जो पशु हैं, अब तो वो हमारी चुनावी जनसभाओं में भी उनको छोड़ा जा रहा है, उनको भेजा जा रहा है। कल कन्नौज में तो हमारी चुनावी जनसभा थी, तो वहाँ हमारे पहुँचने से ही पहले तो बीजेपी के लोगों ने ऐसा लगता शरारत के तहत वहाँ पर आवारा जानवरों को उधर भेजा, तो इसी तो ये आप सब लोगों को मालूम है। इसी प्रकार केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेस की सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी खासकर जातिवादी, हीन व सांप्रदायिक सोच के चलते हुए यहाँ पूरे देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी कोई खास विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। इसके साथ ही पूरे देश में अभी तक भी यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा है। इनका पदोन्नति में आरक्षण अभी भी यहाँ प्रभावहीन ही बना हुआ है, और इतना ही नहीं बल्कि केंद्र व राज्यों में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की सरकारों में भी इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, फिर भी तो वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार
और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फिर भी ये कहते हैं कि मैं तो पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखता हूँ और पिछड़ों का बड़ा ख्याल रखता हूँ। ये जो मैं आप लोगों को जो सही स्थिति बताई है, यदि सही मायने में श्री नरेंद्र मोदी पिछड़ों के हिमायती होते तो आज आरक्षण के मामले में आप लोगों की इतनी खराब स्थिति हमें नजर नहीं आती। और सही बात तो ये है कि श्री नरेंद्र मोदी को के आपके बुंदेलखंड में तो पिछड़े वर्ग के लोग काफी बड़ी तादाद में हैं, मुझे इसकी जानकारी है। और बुंदेलखंड में खास तौर से मुझे ये मालूम हुआ कि बांदा के अंदर आकर तो बीजेपी के नेता लोग ये कहते हैं कि हमें तो गठबंधन के लोग बैकवर्ड मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन मैं श्री नरेंद्र मोदी को और उनके चेले चाटों को भी ये बताना चाहती हूँ, उनको ये कहना चाहती हूँ कि श्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये सबको मालूम है कि वो जन्मजात पिछड़े वर्ग का नहीं है, वो जन्मजात पिछड़े वर्ग का नहीं है। जब गुजरात में उसकी सरकार बनी, श्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तो इन्होंने सत्ता का इस्तेमाल करके तो जो इनकी जाति अगड़ी जाति में आती थी तो उस जाति को बैकवर्ड क्लास में शामिल करके आप लोगों के हक मारने का काम ये श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किया, और अपने आप को बैकवर्ड बैकवर्ड कहकर वो पिछड़ों का वोट लेने के लिए वो पूरी ताकत लगा रहा है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि श्री नरेंद्र मोदी ये असली बैकवर्ड का नहीं है, ये फर्जी है, ये जन्मजात पिछड़े वर्ग का नहीं है, तो ये तो फर्जी है, ये तो बाद में अपनी जाति को शामिल करके बैकवर्ड क्लास का बन गया। यदि सही मायने में तो असली जो बैकवर्ड क्लास के का कौन नेता है यहाँ आपके उत्तर प्रदेश में, तो आपके बीच में तो सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव इधर बैठे हैं, तो इनके फादर ने श्री मुलायम सिंह यादव ने जो जन्मजात पिछड़े वर्ग के हैं, तो उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को तैयार करने के लिए पूरा पूरा प्रयास किया है। ये भी मैं बीजेपी के लोगों को बता देना चाहती हूँ। और अब उनके बताए हुए रास्ते पर श्री अखिलेश यादव भी वैसे तो सर्व समाज को ये जोड़ने के पूरे पूरे प्रयास में लगे हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग को जोड़ने के लिए भी पूरे जी जान से लगे हैं, क्योंकि ये फर्जी बैकवर्ड क्लास के नहीं है, ये असली हैं, ये जन्मजात बैकवर्ड क्लास के हैं। ये श्री नरेंद्र मोदी की तरह ये फर्जी नहीं है, बाद में नहीं बने हैं, बाद में सर्टिफिकेट नहीं लिया है, ये जन्मजात बैकवर्ड क्लास के हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोगों को आपके बुंदेलखंड में खास तौर से बीजेपी के लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो अब ये लोग बैकवर्ड बैकवर्ड कहकर आपके वोटों को ये लेना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। 5 साल का शासन आप लोगों ने इनका देखा है, दलित और शोषितों के साथ, पिछड़ों के साथ, अकलियतों के साथ जो जुल्म जाती हुई है वो किसी से छिपी नहीं है। इन वर्गों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों के साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत अभी तक भी हमें यहाँ कोई खास अभी भी हमें यहाँ कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। और वर्तमान में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान होना भी लगभग बंद सा ही हो गया है, और अब इन पर हर स्तर पर आए दिन और हो रही जुर्म जाति भी यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इन वर्गों के अलावा इस सरकार में यहाँ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इसके साथ ही इनकी केंद्र की सरकार ने पूरे देश में खासकर नोटबंदी व जीएसटी को जिस प्रकार से बिना पूरी तैयारी के ही इसे बहुत जल्दबाजी में लागू किया है, तो उससे अब यहाँ पूरे देश में गरीबी
एवं बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ी है और इससे छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग अभी भी यहाँ काफी ज्यादा दुखी हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका लगातार बुरा प्रभाव पड़ा है। भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर इस सरकार में काफी ज्यादा बड़ा है, जिससे हमारे यहाँ रक्षा सौदे तक भी अछूते नहीं रहे हैं। इसके अलावा केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी अपने देश की सीमाएं अभी भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है, जिसके कारण ही यहाँ आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, जिसमें अपने देश के अभी तक यहाँ काफी ज्यादा जवान भी शहीद हो चुके हैं। लेकिन इस मामले में अति दुख की बात यह है कि इसे भी अब ये लोग इस चुनाव में किसी न किसी रूप में भुनाने में लगे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही अब वर्तमान बीजेपी की सरकार ने भी अपने राजनीतिक लाभ के लिए यहाँ सीबीआई, ईडी व आईटी आदि का भी काफी ज्यादा दुरुपयोग किया है, जो अभी भी लगातार जारी है। ऐसे हालातों में अब आप लोगों को केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को भी या किसी भी कीमत पर सत्ता में काबिज नहीं होने देना है, जिनको आप लोग काफी ज्यादा आजमा भी चुके हैं। हालांकि सत्ता प्राप्त करने के लिए अब यहाँ सभी विरोधी पार्टियाँ किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करने की भी पूरी पूरी कोशिश कर रही हैं, जिनसे आप लोगों को इस चुनाव में भी हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में चुनाव के दौरान यहाँ सभी विरोधी पार्टियाँ अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का भी जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं, तो उनसे भी आप लोगों को गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके ज्यादातर हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के भी बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद अधिकांश दर किनारे कर देती हैं। और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकतर विश्वास ही उठता चला जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। और वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम और कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस संदर्भ में मैं खासकर बीजेपी व कांग्रेस पार्टी के बारे में भी ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी ने देश में पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में अपने जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र में या केंद्र में अपनी सरकार बनने पर देश की जनता को जो अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो इनके अब ये अधिकांश चुनावी वायदे केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही ज्यादातर खोखले ही साबित हुए हैं। और इस मामले में इनका विशेषकर देश के हर गरीब व्यक्ति को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से देने का ये वायदा भी अब यहाँ पूरी तरह से गरीबों के लिए एक मजाक सा ही बन के रह गया है। इसके साथ ही इस पार्टी का सबका साथ व सबका विकास की भी कही गई ये बात भी अब केवल यहाँ एक जुमलेबाजी ही बनकर रह गई है। और इतना ही नहीं बल्कि चुनाव में इसी प्रकार के प्रलोभन भरे चुनावी वायदे कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। और इस कांग्रेस पार्टी ने देश के खासकर अति गरीबों के वोटों को लुभाने के लिए इनको हर महीने 6,000 रुपए के हिसाब से देने की जो ये बात कही है, तो इससे भी इनकी गरीबी को दूर करने का कोई स्थायी हल निकलने वाला नहीं है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही हमारा इस संबंध में ये कहना है कि यदि केंद्र में हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो तब फिर हमारी सरकार यहाँ देश में अति गरीब परिवारों को हर महीने 6,000 रुपए देने के बजाय
बल्कि इसके स्थान पर इन्हें सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार देने की ही पूरी व्यवस्था करेगी। और वैसे भी बीएसपी की सोच व नीति के मुताबिक ये काफी कठिन जटिल समस्या या हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है। ऐसी स्थिति में बीजेपी की तरह कांग्रेस पार्टी के भी ऐसे अनेक और किए गए इनके प्रलोभन भरे चुनावी वायदों के बहकावे में भी यहाँ अति गरीबों को वे अन्य जरूरतमंद लोगों को भी कतई नहीं आना है और इन्हें हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से भी जरूर रोकना है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के वे अपने प्रदेश के तथा पूरे देश के भी हित में अपने वोटों को इन सभी विरोधी पार्टियों को ना देकर केवल यहाँ अपने बने इस गठबंधन को ही देना है, जो ये केंद्र में अपनी सरकार बनने पर फिर यहाँ पूरे देश में अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएंगे। इसके साथ ही आपके प्रदेश की केंद्र से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर जरूर दूर कर दिया जाएगा। और इस मामले में आपके बुंदेलखंड क्षेत्र का जो बहुत पिछड़ा हुआ है इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। वैसे आप लोगों को मालूम है कि जब उत्तर प्रदेश में चार बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी और इतना ही नहीं जब सपा के भी नेतृत्व में श्री अखिलेश यादव के भी नेतृत्व में यहाँ सरकार बनी तो हमारी दोनों पार्टियों ने की सरकारों ने अपने अपने हुकूमत के समय में तो आपके बुंदेलखंड क्षेत्र का पूरा ध्यान रखा है और काफी हमने महत्वपूर्ण फैसले इस बुंदेलखंड क्षेत्र को विकसित करने के लिए लिए हैं। जबकि केंद्र की सरकार ने तो हमें बिल्कुल भी आर्थिक तौर पर मदद नहीं की थी, तो स्टेट के पास जो भी अपना फंड था उसी फंड से आपके बुंदेलखंड क्षेत्र का हमारी सरकार ने पूरा ध्यान रखा है। इसके अलावा देश में आम जनहित से जुड़े कार्यों को करने के साथ साथ यहाँ समाज में खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों का हर मामले में विशेष ध्यान रखा जाएगा। और वैसे हमने इस मामले में यहाँ उत्तर प्रदेश में अपनी चारों रही सरकारों में ये सब करके भी दिखाया है। और तभी फिर यहाँ हमारे महान संतों गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया व माननीय श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा सपना जरूर साकार हो सकता है। और इसके लिए अब आप लोगों को इस चुनाव में यहाँ अपने गठबंधन को जरूर कामयाब बनाना है। और इस उम्मीद के साथ ही अब मैं आप लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि हमने यहाँ गठबंधन के तहत तो आपकी ये जो जालौन रिजर्व सीट है, जालौन जो शुल्क कास्ट के लिए रिजर्व सीट है, इस सीट से तो हमने बीएसपी की ओर से गठबंधन के तहत बीएसपी की ओर से श्री अजय सिंह को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। इसके साथ ही हमीरपुर लोकसभा की सीट है तो गठबंधन के तहत हमने बीएसपी की ओर से श्री दलीप कुमार सिंह को हमने यहाँ पर खड़ा किया है। आपके बगल में ही झांसी लोकसभा की सीट है तो झांसी लोकसभा की सीट से हमने श्री श्याम सुंदर यादव को चुनाव के मैदान में उतारा है, जिनको जिताने के लिए अब यहाँ गठबंधन के लोगों को अपने बीएसपी के उम्मीदवार को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर तथा सपा के उम्मीदवार को साइकिल चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के ही देना है। और साथ ही इनको भारी वोटों के अंतर से भी जरूर जिताना है। हालांकि हमारे इस बने गठबंधन ने खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी व आरएसएस के लोगों की पूरी तरह से नींद उड़ा के रख दी है और अब ये लोग यानी कि बीजेपी एंड कंपनी के लोग
खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह ही यहाँ जबरदस्ती के हमारे इस बने गठबंधन के बारे में तथा हम इनके प्रमुख लोगों के बारे में भी आए दिन अनाप शनाप बयानबाजी ही करते रहते हैं, जिनका जवाब अब आप लोगों को केवल यहाँ अपने गठबंधन के उम्मीदवारों को ही रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जिता कर ही देना है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ मैं अपने गठबंधन के लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ, यदि आप लोग ये चाहते हैं कि इस बार केंद्र में हम लोग अपनी सरकार बनाएं, तो अब आप लोगों को खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में अपने इस बने गठबंधन की एक एक सीट को जिताना बहुत जरूरी है, और यह तभी संभव हो सकता है जब इस चुनाव में सपा व बसपा के लोग अपना एक एक वोट अपनी इन दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को ट्रांसफर करवा देते हैं। और ऐसा हो जाने पर फिर इस चुनाव में हमारे बने इस गठबंधन की यहाँ अधिकांश सीटें जरूर जीत जाएंगी और फिर आपके क्षेत्र की भी सीटें जरूर जीतेंगी। आपके बुंदेलखंड में 4 लोकसभा की सीटें हैं, चारों की चारों सीटें फिर हमारा ये गठबंधन जरूर जीत जाएगा। हालांकि इस मामले में अभी तक हमें काफी अच्छी रिपोर्ट ही मिल रही है और ये बात मैं आप लोगों को इसलिए भी कह रही हूँ कि प्रदेश में अभी तक यहाँ जितने भी चरण के वोट पड़ चुके हैं, 3 चरण के वोट अभी तक पड़ चुके हैं, तो उनमें हमारे गठबंधन को ही काफी अच्छे रिजल्ट मिलने की ही रिपोर्ट सामने आ रही है और अब आगे के चरण भी पहले से और भी ज्यादा बेहतर ही रहने वाले हैं, जिसकी हमें पूरी पूरी उम्मीद भी है। और मैं समझती हूँ आपके बुंदेलखंड में जिस भी चरण में इधर चुनाव होगा तो आप लोग भी, तो जो अभी तक जिन चरणों में वोट पड़ चुका है और गठबंधन हमारा सबसे आगे नजर अभी आ रहा है, तो आपका बुंदेलखंड भी सबसे आगे ही रहेगा, पीछे नहीं। पीछे तो आप लोगों को बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को छोड़ना होगा। और अब ऐसे में आप लोगों को भी यहाँ अपने गठबंधन के बीएसपी के उम्मीदवार को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के तथा सपा के उम्मीदवार को साइकिल चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के ही देना है और इनको भारी वोटों के अंतर से भी जरूर जिताना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करते हुए आप लोगों से रजा लूं। लेकिन मैं इससे पहले ये चाहूंगी कि सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव भी इस चुनाव को लेकर अपनी कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखेंगे। अब मैं आप लोगों से यही विदा लेती हूँ। जय भीम, जय लोहिया, जय भारत।